अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस। तो अगर हम किसी भी फाइनेंस मैनेजर से बात करें, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर से अगर हम पूछें कि तुमको कौन से मेन ऐसे डिसीजंस बिजनेस में लेने पड़ते हैं फाइनेंस को लेकर, तो उसका जवाब होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, मतलब विनियोग निर्णय, फिर वित्तीय निर्णय, फिर तीसरा है लाभांश से संबंधित निर्णय। किसी भी फाइनेंस मैनेजर को ये तीन डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट लेने होते हैं। तो इस वीडियो में जो हम अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस का हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यस, अब हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस का, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? बिजनेस में हम जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट चाहे हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में किया हो या शॉर्ट टर्म एसेट्स में किया हो, या मतलब या हमने फिक्स एसेट्स के पैसे लगाने के रिलेटेड बात कर रहे हैं या करंट एसेट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, हमको दोनों जगह पैसा इन्वेस्ट करना होता है और उसी से रिलेटेड डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डेफिनेटली हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही एक डिसीजंस है। तो डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहली बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं। देखो, किसी भी बिजनेस को जब आप चलाते हो तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं जो आपके लंबे समय के लिए काम आने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जिसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर सबसे पहले हमको जो डिसीजन लेना होता है वो होता है कैपिटल बजटिंग को लेकर, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आपको ये देखना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कितनी कितनी एसेट्स चाहिए और उनके लिए पैसा कितना कितना लगेगा, ये सारी बातें आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही सोचना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेकर लिया जाने वाला डिसीजन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोले तो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? कैश कितना रखना होगा, बैंक में पैसा कितना रखना होगा, डेटर्स में कितना पैसा हमारा फंसा रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने होंगे, स्टॉक में कितना पैसा लगा रहेगा, ये होती है हमारी करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या काम आती है? वर्किंग कैपिटल के। डेली रूटीन के अंदर हमको बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना होता है, डेली रूटीन के लिए हमको कुछ पैसा मेंटेन करके भी रखना होता है। तो करंट एसेट्स को लेकर लिया जाने वाला डिसीजन उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमको प्रॉपर्टी के ऊपर लगने वाली कॉस्ट प्लस उसके ऊपर मिलने वाले प्रॉफिट का भी ध्यान रखना होता है। कितनी कॉस्ट आएगी और वो हमको कितना कमा कर देने वाली है, कितनी इनकम हमको देने वाली है, ये बातें हमको ध्यान रखनी होगी। यहां पर हमको लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के अंदर हमको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स के अंदर जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, प्लस कॉस्ट के ऊपर जो हमको रिटर्न मिलने वाला है, जो पैसा वापस उससे रिकवर होने वाला है, वो कैसे कैसे होने वाला है, ये दोनों बातें कैपिटल बजटिंग में ध्यान रखनी है। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों बातें हमको काफी ध्यान रखनी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे पास दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहली बात, मतलब हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हुए। जो पहला टॉपिक है जिस बात का हमको ध्यान रखना है वो होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख रुपए की एक मशीन खरीदनी है। अब 50 लाख की मशीन खरीदोगे, 50 लाख आपके बिजनेस में से एक साथ निकलने वाला है। पहली बात, वो मशीन मान लो 10 साल आपके बिजनेस में यूज होने वाली है। क्या आपको लगता है कि 10 साल उस मशीन के ऊपर अब कोई पैसा खर्च नहीं होगा? करना पड़ेगा आपको। मशीन खराब होगी, मरम्मत होगी, इंस्टॉलेशन होगी, काफी सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद भी होते हैं। तो खरीदने के टाइम पर तो खर्चा होने ही वाला है, खरीदने के बाद भी खर्चा होने ही वाला है। तो हमको क्या करना है? पहली बात हमको ये ध्यान रखने वाली रखना है कि जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट आपका पैसा मांगता है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर ये देखो कि कितना पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना पैसा आपका बाहर जाने वाला है। प्लस जिस प्रोजेक्ट पे आपने पैसा लगाया है वो प्रोजेक्ट की वजह से क्या आपकी इनकम होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डेफिनेटली किस लिए करते हैं? इनकम के लिए। तो जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है उससे इनकम भी होने वाली है, मतलब इनफ्लो। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमको इनफ्लो और आउटफ्लो का पहले से ही कंपैरिजन कर लेना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी प्रोजेक्ट जो आप लगाने जा रहे हो उससे रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को कंपैरिजन हमको कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न। 50 लाख की आपने मशीन खरीदनी है, 50 लाख की आपने मशीन खरीदनी है, ये आपका मान लो पहला डिसीजन है। मान लो हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है हमारे पास 70 लाख का इन्वेस्टमेंट करने का। अब 50 लाख के ऊपर हमको रिटर्न मिले मान लो 10%, ये 50 लाख के ऊपर मान लो हमको हर साल 50,000 का प्रॉफिट हो, इसके ऊपर हमको प्रॉफिट हो मान लो 20%, कौन सा लगाना पसंद करोगे? 70 लाख वाला, क्योंकि 70 लाख रुपए वाले प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कमाई कितने आने वाली है? 20%। इसके ऊपर कमाई कितने आने वाली है? 10%। पर दोनों की इन्वेस्टमेंट देखो अलग अलग है, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 लाख, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70 लाख। तो कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले पहले तो ये देख लो कि दोनों के ऊपर पैसा कितना कितना लग रहा है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था, रेट ऑफ रिटर्न की। जो प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितनी मिलने वाली है? देखो जब भी हम बैंक में भी पैसा लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? इंटरेस्ट लेने के लिए। कहीं पर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, किस लिए कराते हैं? इंटरेस्ट लेने के लिए। रेट ऑफ रिटर्न मतलब पैसे की कमाई आपको वापस में कितने मिलने वाली है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप अपने बिजनेस में लगाने जा रहे हो तो उसके ऊपर ये देख लो कि आपको रिटर्न कितनी मिलने वाली है, वो प्रोजेक्ट आपको कितना परसेंट कमा के देने वाला है। तो ये बात हमको पहले से ही ध्यान रखनी होती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। टॉपिक नंबर 3, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं ये भी ध्यान रखनी होगी। इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उसके अंदर कुछ खास बातें और भी होती है जो हमको ध्यान रखनी होती है। पहली बात, इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप कहीं से मान लो पैसा उठाओगे, उस पैसे के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इनकम प्रोजेक्ट से कितनी आएगी, कितना पैसा इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, मनी आपको कितनी चाहिए होगी, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आपको कितना पैसे की जरूरत होगी। तो इन सारे डिसीजंस के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफेक्ट करने वाले डेफिनेटली 3 फैक्टर्स अभी हमने स्टडी किए हैं। पहला, उस प्रोजेक्ट से कितना इनफ्लो होने वाला है, कितना आउटफ्लो होने वाला, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। दूसरी बात, कितने परसेंट की कमाई हमको होने वाली है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रेट ऑफ रिटर्न। तीसरी बात, कुछ क्राइटेरिया और भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट से लेकर, फॉर एग्जाम्पल कितना पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, कितना पैसा इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, कितनी इनकम हमको वहां से आने वाली है। तो ये सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद भी हमने क्या करना होता है, ये डिसीजन लेना होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस टॉपिक को
हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर क्या होता है, हमको वर्किंग कैपिटल डेली रूटीन के अंदर चाहिए होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास 50,000 है, उस 50,000 से आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक आपके पास 2 महीने पड़ा रहा, वो स्टॉक आपने किसी को सेल किया, उसने भी आपको पैसा नहीं दिया, वो आपका डेटर बन गया। डेटर्स में पैसा कितने महीने फंसा रहा, मान लो 2 महीने। थोड़े टाइम के बाद उस डेटर्स ने आपको 1 महीने का बिल रिसीवेबल दे दिया, फिर आपका पैसा 1 महीने के लिए किसमें फंसा रहा, बिल रिसीवेबल में। देखो ध्यान से, 2 महीना पैसा स्टॉक में फंसा रहा, 2 महीना पैसा हमारा डेटर्स में फंसा रहा, फिर वो पैसा कन्वर्ट हो गया बीआर में। अल्टीमेटली हमको कैश तो चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए। ये जो 5 महीने जो हम कैश लेस हो गए हैं, इस 5 महीने के अंदर जो हमारे पास पैसे की कमी आ जाएगी, वो कहां से पूरी होगी? तो इस 5 महीने की वर्किंग को चलाने के लिए पैसा हमारे पास था, पर वो पैसा कहां पे कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में, फिर डेटर्स में, फिर बिल रिसीवेबल में। ये 5 महीने हमारा पैसा ब्लॉक रहा है। इस 5 महीने की ब्लॉकेज को कवर करने के लिए, इस 5 महीने के अंदर काम चलाने के लिए हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट भी हमको सीखना होता है। जो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट होता है किसके अंदर आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है करंट एसेट्स को लेकर। तो करंट एसेट्स के अंदर हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा स्टॉक में पैसा कितना फंस जाता है, डेटर्स में पैसा कितना टाइम फंसा रहता है, बिल रिसीवेबल्स में कितना पैसा एवरेज फॉर्म में फंसा रहता है। तो उस टाइम पीरियड के लिए हमको डेफिनेटली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि डेली रूटीन के अंदर आपको कुछ लोगों को खर्चे पे करने होते हैं, सैलरी देनी है, किसी को वेजेस देनी है, किसी को गाड़ी का किराया देना है। तो वो सारे खर्चे पे करने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना। तो उस पैसे की मैनेजमेंट हम कहां पे सीखते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंडर में सीखते हैं। अब अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल का पैसा ज्यादा पड़ा रहे, अगर वर्किंग कैपिटल का पैसा ज्यादा पड़ा रहे तो बिजनेस में हमारी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। डेफिनेटली आपके पास पैसा मतलब ज्यादा पड़ा हुआ है, पर बिजनेस के अंदर क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। पैसा ज्यादा पड़ा होने से ठीक है, लिक्विडिटी है आपके पास, आप तुरंत किसी को पेमेंट कर सकते हो, कोई खड़े पैर पे आपसे पैसा मांगने आ गया, आप उसको भी पेमेंट कर सकते हो, पर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि पैसा ज्यादा पड़ा होने का मतलब होता है कि आप उस पैसे को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, मतलब उस पैसे के ऊपर जो प्रॉफिट आपको कमाना चाहिए था वो प्रॉफिट आपको नहीं हो पाएगा। तो मतलब अगर वर्किंग कैपिटल के अंदर लगा हुआ पैसा ज्यादा है तो मतलब लिक्विडिटी तो ज्यादा है, लिक्विडिटी तो ज्यादा है पर प्रॉफिटेबिलिटी कम है। अगर इससे मैं अभी आपको अपोजिट सिचुएशन की ओर लेके जा रहा हूं, मान लो वर्किंग कैपिटल का पैसा कम है, वर्किंग कैपिटल का पैसा कम है, हमारे पास डेली रूटीन के खर्चे पे करने के लिए अगर पैसा कम रखा हुआ है तो क्या होगा, तो मतलब हमारे पास बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस में कोई खड़े पैर पे आ गया, भाई मेरे को सैलरी दे, वेजेस दे, क्या आप उसको पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसा कम रखा हुआ है, डेली रूटीन के खर्चों को पे करने के लिए पैसा कम रखा हुआ है, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए अगर हमारे पास पैसा कम रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी कम है तो क्या होगा, हमको डेली रूटीन के खर्चे पे करने के अंदर, लोगों को सैलरी देने के अंदर, इंप्लॉइज को वेजेस पे करने के अंदर बहुत दिक्कत आने वाली है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमको वर्किंग कैपिटल के जो आप डिसीजन लेते हो उसमें पहले आपको यह देख लेना है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी लिक्विडिटी भी प्रॉपर बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी पूरी बनी रहे, दोनों का सामंजस्य है, दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना प्रॉपर अच्छे से तरीके से होना चाहिए कि हमारे पास पैसा ना तो ज्यादा पड़ा रहे ना कम पड़ा रहे, पैसा इतनी मात्रा में होना चाहिए कि आपका काम भी चलता रहे और आपके डेली रूटीन के खर्चे भी आप पे करते रहो। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, मैं फिर से एक बारी पूरा रिकैप कर रहा हूं। क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर हमने पढ़े इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स। फिर इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लिक्विडिटी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो चैप्टर का पूरा का नाम ही यही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस इन्वेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया
फाइनेंशियल डिसीजन का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो हमने स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आज हमने डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्तीय निर्णय। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।